नमस्कार, मैं मनु सिंह। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मिस्टर शेष कुमार। क्या होती है आईपीसी? बहुत सारे नागरिकों का क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे वी गोइंग टू टेक यूर क्वेश्चन। क्वेश्चन को लेने से पहले जैसा हम हर वीडियो में बताते हैं, प्लीज थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और कुछ ना कुछ ऐसा करते रहिए कि आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। नॉन वायलेंस पे चलिए और जहाँ तक हो सके वहाँ तक रिवेंज से बचिए। अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को साउंड करने के लिए काम करिए। वीडियो को शुरू करने से पहले जैसा हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि सारे क्वेश्चन हम डिटेल में डाल देते हैं, सर का नंबर भी हम डिटेल में डाल देते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। सर का नंबर एक पेज का लिंक होता है वेबसाइट की, उस सर की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पे सर का नंबर पड़ा होता है और इन्फॉर्मेशन होती है कि कब से कब तक आपको कॉल करनी है, किस दिन कितने बजे तक कॉल करनी है। चलते हैं सर के पास, शेष कुमार सिंह जी और मैं सिद्धार्थ सिंह। सर, जो पहला क्वेश्चन आया हुआ ये शाहिद का आया है क्वेश्चन, एक्चुअल में आपको थैंक्स कह रहे हैं। प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद जी। चलते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं इस वीडियो का। ये एक डांस मेरी जान के नाम से इनका यूजर आईडी बनी हुई है। इन्होंने पूछा है, कोई लड़की थी जो इनको धमकी दी कि मुझको यहाँ से भगा के, मैं भी इनकी गर्लफ्रेंड ही होगी, मुझे घर से ले चलो नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी और इल्जाम आपके सर पे आ जाएगा। तो इन्होंने वैसा किया और फिर उसके घर वालों ने केस कर दिया इनके ऊपर, इनको 3 साल की सजा हो गई है। और इनका कहना है कि इनके पास रिकॉर्डिंग है उस बात की, मतलब इनके पास कुछ प्रूफ है जो ये बता रहे हैं कि अगर मैं शो करूँ तो क्या मुझे बेल मिल सकती है। जी, निश्चित तौर से इनको अब सुपीरियर कोर्ट में जब एक बार सजा हो गई जी, तो उसके बाद अपील ही एक रास्ता है इनके पास, है नहीं? इनको सुपीरियर कोर्ट में जाना चाहिए जी, और वो वीडियो ये दिखा सकते हैं, उसका इनको फायदा मिल सकता है। सर, कॉल रिकॉर्डिंग लेकिन जी, कॉल वॉइस रिकॉर्ड, हाँ वॉइस रिकॉर्ड से जी इनको कोर्ट पे दिखा के उसका फायदा इनको मिल सकता है जी। हालांकि ये लोअर कोर्ट में पूरी बात स्पष्ट नहीं कर पाया जिसकी वजह से इनको सजा हो गई, दुर्भाग्यवश इन्होंने वो साक्ष्य नहीं दिया। या हो सकता है इन्होंने ये नहीं बताया कि वो लड़की नाबालिग रही हो, ऐसी कई कंडीशन होती हैं जिसमें कोई डिफेंस नहीं हो सकता। जहां नाबालिग लड़की है ठीक है, तो फिर वो गंभीर अपराध माना जाता है, और अगर लड़की बालिग होती जी तो ये मैरिज करके उससे बच सकते थे, कोई अपराध ना बनता। लेकिन वो निश्चित तौर से जो इन्होंने बताया नहीं है, वो लड़की नाबालिग हो सकती है और नाबालिग लड़की जी, जी नाबालिग है, इन्होंने लिखा है 3 साल की सजा जी। हाँ तो पक्का इनको हुआ होगा, है नहीं? नाबालिग लड़की के साथ अफेयर या उसको घर से भगाना गंभीर अपराध जी, है नहीं? और इनको उसी को 10 सजा मिली है। हालांकि इसका डिफेंस में ये बेल में इनको फायदा मिल सकता है, है नहीं? इनको प्रयास करना चाहिए और साक्ष्य जुटाना चाहिए जिससे अगर ये निरपराधी हैं तो बच सके, ठीक है? हमारी इनके साथ संवेदना है जी, है नहीं जी? लेकिन ये चूक बहुत भारी पड़ती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाती है जी जी जी, ठीक है ना? बच्चे सर क्या कहते हैं, यंग एज में ऐसा डिसीजन ले लेते हैं। ये नशा जो है ये बच्चों का पूरा करियर चौपट कर देता है। और जहाँ नाबालिग बच्ची हो तो गार्जियन, जैसे गार्जियनशिप में गई तुरंत वो FIR दर्ज होता है और फिर उसमें बच्चों की सजा हो जाती है और उसमें कईयों की का करियर खराब हो जाता है, इसलिए इनको इससे होशियार रहना चाहिए था जी। वैसे इन्होंने चूक कर दी है, ठीक है? तो इनको फिर और भी साक्ष्य जुटाना चाहिए, है नहीं? समय के साथ तो इनको उसका फायदा मिल जाएगा, केस फिर से ओपन हो जाता है, रीओपन होता है तो इनको फायदा मिल सकता है, है ना? सर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये साबान का आया है। इन्होंने पूछा है कि बेल में कितने पैसे लगते हैं। असल में बेल में कोई प्रेस्क्राइब्ड नहीं है कि बेल में कितना खर्चा लगेगा। बेल फार्म तो बेल बॉन्ड का फार्म होता है 3 पन्ने का, है नहीं? उसका एक्चुअल में कुछ खास कॉस्टिंग नहीं, कुछ खास कॉस्टिंग नहीं है, 100-150 रुपए में मिल जाता है। एक एक बॉन्ड होता है, एक सिक्योरिटी का फार्म होता है, उसके साथ एफिडेविट लगती है सिक्योरिटीज के लिए होता है, एक अपना पर्सनल बॉन्ड, एक सिक्योरिटी, यही 3-4 कागज कुल लगते हैं, है नहीं? लेकिन जहां तक बेल में कितना खर्चा लगता है, अब अलग अलग वकील अपने स्टेटस के हिसाब से लोग फीस निर्धारित करते हैं। असली खर्चा तो फीस में लगता है, ठीक है? अब उसके लिए कोई निर्धारित फीस नहीं है कि कोई अधिवक्ता इतना ही फीस लेगा, लोग अपने स्टेटस के हिसाब से, केस के गंभीरता के हिसाब से अपना फीस निर्धारित करते हैं, ठीक है? इसलिए ये मैं नहीं बता पाऊंगा कि कैसा केस है, ये खुद
अपने हिसाब से डिसाइड करें। अगर इनको कम पैसे में वकील करना है तो कम से कम पैसे में वकील मिल जाएंगे इनको। इनको चाहिए एक ही होशियार वकील हो, नया लड़का हो, कम फीस में मिल जाएगा, वो बढ़िया काम करेगा। जो काम बहुत पहले से जो लोग मजे खिलाड़ी होते हैं, मतलब जो बहुत अच्छे वकील बहुत बड़ी फीस निर्धारित करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा ही काम कर ले। कुछ नए बच्चे भी बहुत बेहतरीन काम करते हैं और कम पैसे में भी बेल हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये समझना उनके कार्यशैली से ही समझा जा सकता है जी, ठीक है। सर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है ये केडी जी ने पूछा है। इन्होंने पूछा है आईपीसी 457, 323, 427, 506 एंड 34, क्या इसमें जमानत मिलेगी मुझे? जमानत तो लोअर कोर्ट से नहीं होगी तो सेशन कोर्ट से तो हर हाल में हो जाएगी जी, ठीक है। 457 एक गंभीर अपराध है। 457 ये गृह भेदन, घर में घुसने अत्याचार करना, अब उसमें चोरी के नियत से अगर जाए तो और अपराध है इसी में, ठीक है। तो ये 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है इसमें, है ना। गंभीर अपराध है, नॉन अवेलेबल है ना, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन बेल हो जाती है। जैसे लोअर कोर्ट से नहीं होगी तो सेशन कोर्ट से हो जाएगी, है ना। ट्रायल कराना पड़ेगा, उसमें सजा हो सकती है। जब तक अगर ये अपने को निरपराध नहीं साबित करते हैं, इस नाते की जो 457 और 34 जुड़ा है, इसमें कई लोग हो सकते हैं, ठीक है। कॉमन इंटेंशन से अपराध हुआ है तो बेल तो हो सकती है बेल, नहीं? बेल की पॉसिबिलिटी है, बट हाँ नॉन अवेलेबल केस है। अच्छा, मतलब है नहीं? सीरियस ऑफेंस। हाँ, लोअर कोर्ट में हर हाल में खारिज होना जी जी, ठीक है जी। आगे से हो जाएगी अपीलेट कोर्ट में, बेल हो सकती है जी। सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये ऋषभ दुबे जी ने पूछा है जी। इन्होंने पूछा इनके ऊपर लगा है 151 जी जी में आईपीसी। हाँ, दिक्कतें क्या आती हैं पूछे। हाँ, तो ये जोश में जो 5 से अधिक, जैसे कोई पुलिस किसी को चेतावनी दे रही है किसी जगह पर, कोई ऐसा आदेश जारी हो जाता है कि वहाँ इकट्ठा ना हो, जैसे चौराहे पर हो गया चौराहे बाज, अब पुलिस वहाँ आदेश हो गया, मजिस्ट्रेट से आदेश ले लिए कि हाँ यहाँ जो धारा 144 लग गई है, यहाँ कोई इकट्ठा नहीं होगा, उससे शांति भंग हो सकती है। इसके बावजूद भी 5 से अधिक लोग अगर जमाव करते हैं तो 151 आईपीसी में केस दर्ज होता हो सकता है, ठीक है। अवेलेबल है, बेल तो हो जाता है न, बट इसमें मुकदमा दर्ज हो सकता है, बेल हो जाएगी, कोई परेशानी की बात नहीं है जी, ठीक है। अगर ये अपने को निरपराध साबित करते हैं तो इसमें वैसे में 5-6 महीने की सजा का प्रावधान है। अच्छा, बेलेबल ऑफेंस से बेल हो जाएगी। एक सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ है इंडियन आर्मी नाम से, एक लोगों ने अपना आईडी बना रखी है। इन्होंने पूछा अगर पुलिस ने पब्लिक को गाली दिया तो क्या होगा और क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताइए इनको। अगर पब्लिक गाली देता है पुलिस का आदमी तो उसके खिलाफ भी वही मुकदमा दर्ज हो सकता है जो सामान्य आदमी के खिलाफ, लेकिन इनके पास प्रूफ होना चाहिए इस चीज का। हाँ, इस चीज का आपको प्रूफ देना पड़ेगा। आपको अगर पुलिस नहीं दर्ज करती तो कोर्ट से मुकदमा दर्ज होगा, ठीक है। अब गाली गलौज अब्यूजनेस, कोई भद्दी गाली देता है तो जैसे आम आदमी पुलिस में दर्ज कराता है वैसे पुलिस के खिलाफ, आप पुलिस के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, है ना। ये ऐसा नहीं है कि अभी, अलग बात है कि क्योंकि आदमी को परेशानी होती है, जब पुलिस के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराना हो तो आप थाने पर जाएंगे और वहां पुलिस उनका फेवर करेगी, जैसे पूरे देश में है। अमूमन लोग अपने जो अधिकारी अधिकारियों का फेवर करते हैं, कर्मचारी कर्मचारियों का फेवर, मतलब एक ऐसा कुछ लोगों का सेंटीमेंट्स होता है जिसका फायदा अपराधी को मिल जाता है, ऐसे ही पुलिस में भी है, थोड़ा तो सेंटीमेंट का फायदा मिलेगा ही उनको। आप आसानी से FIR नहीं दर्ज करा सकते, तो आपको कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। FIR दर्ज होगी, पुलिस हो या कोई भी हो, किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। यहाँ इस देश में जस्टिस तक को सजा हो चुकी है, IAS PCS सबको सजा हो गई है, नेता कई जेल में है, ठीक है। सही आपके पास प्रूफ हो और आप उनको कटघरे में खड़ा कर सके, है नहीं तो मुकदमा तो दर्ज हो जाएगा, ठीक है सर। थैंक फॉर योर टाइम। तो व्यूअर्स, आपने देखा किस तरीके से सर ने एक्सप्लेन किए कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछिए।
अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आए तो आप तक पहुंचे, और कुछ ना कुछ पॉजिटिव करते रहिए अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी और अपने कंट्री के लिए। रिवेंज पे ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को साउंड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए, नॉन वायलेंस पे चलिए। थैंक फॉर वॉचिंग।